हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक फेमस टेस्ट मैच जीत की कहानी लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये जीत इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में सबसे स्पेशल विंस में से एक मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, इंडियन टीम दिसंबर 2010 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के टूर पर गई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच इंडिया 1 इनिंग्स और 25 रन से हार गई थी और अब दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए दोनों टीम्स डरबन पहुंची। दूसरा टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच किंग्स में डरबन में खेला गया था। MS धोनी इंडिया के कैप्टन थे और ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे। ग्रैम स्मिथ ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया की इस मैच में शुरुआत बहुत ख़राब रही। पहली इनिंग्स में इंडिया सिर्फ 205 रन पर ऑल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका की ज़बरदस्त बॉलिंग के सामने इंडिया के बल्लेबाज क्रिस पर टिक नहीं पाए। कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर पाया और ना ही इंडिया के किसी भी बल्लेबाजों के बीच कोई बड़ी पार्टनरशिप बन पाई। इंडिया का एक भी बल्लेबाज पहली इनिंग्स में 50 रन भी नहीं कर पाया। PVS लक्ष्मण 38 रन बनाकर इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनके बॉलर्स ने पूरी इनिंग्स में लगातार विकेट्स लिए और इंडिया को सिर्फ 205 रनों पर ऑल आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका के लिए ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए डेल स्टेन ने 6 विकेट्स लिए और उनका साथ देते हुए मॉर्ने मॉलकर और लोनवाबो सोत्सोमे ने 2-2 विकेट्स लिए। मैच के शुरुआती फेज में साउथ अफ्रीका आगे था और अब अच्छी बैटिंग करके पहली इनिंग्स में एक बड़ी लीड हासिल करने की कोशिश में था। दूसरी तरफ अपनी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया काफ़ी प्रेशर में था। उन्हें इस मैच में बने रहने के लिए साउथ अफ्रीका को कम से कम स्कोर पर रोककर उन्हें एक बड़ी लीड हासिल करने से रोकना था। अब साउथ अफ्रीका अपनी पहली बैटिंग इनिंग शुरू करने जा रहा था। साउथ अफ्रीका की पहली बैटिंग इनिंग्स इंडिया से भी बुरी रही क्योंकि साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 131 रनों पर ऑल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स की तूफानी बॉलिंग के आगे ढेर हो गए। इंडियन बॉलर्स ने उनके किसी भी बल्लेबाज को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। हाशिम आमला 33 रन बनाकर उनके टॉप स्कोरर रहे। इनिंग्स की शुरुआत से लेकर इनिंग्स की अंत तक इंडिया के बॉलर्स ने बड़े तेज़ी से साउथ अफ्रीका के विकेट्स लिए और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कम्प्लीटली डोमिनेट करते हुए उन्हें 37.2 ओवर्स में सिर्फ 131 रनों पर ऑल आउट कर दिया। हरभजन सिंह ने इनक्रेडिबल बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स लिए। जहीर खान ने 3 विकेट्स लिए और श्रीशांत और ईशांत शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। अपने बॉलर्स की इनक्रेडिबल बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया साउथ अफ्रीका को 131 रनों पर रोकने में कामयाब हो पाया और पहली इनिंग्स के एंड पर 74 रन की क्रूशल लीड हासिल करके मैच में वापस आ गया। अब दोनों टीम्स की पहली बैटिंग इनिंग्स पूरी हो चुकी थी। अब तक इस टेस्ट मैच में दोनों टीम्स के बॉलर्स ने डोमिनेट किया था और दोनों टीम्स के बैटर्स पूरी तरह से स्ट्रगल करते दिखाई दिए थे। इंडिया के पास अब 74 रन की लीड थी और इसी लीड के साथ इंडिया ने अपनी सेकेंड बैटिंग इनिंग शुरू की। सेकेंड इनिंग्स में वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया को एक तेज शुरुआत दिलाई। उनकी इस अटैकिंग बैटिंग से इंडिया का स्कोर 9.1 ओवर्स में 42 रन हो गया। वीरेंद्र सहवाग 31 बॉल्स में 6 चौकों की मदद से 32 रन पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी इनिंग्स और आगे बढ़े उसके पहले 10वें ओवर की पहली बॉल पर लोनवाबो सोत्सोवे ने वीरेंद्र सहवाग को कॉट बिहाइंड कर दिया और इंडिया का पहला विकेट 42 रन पर गिर गया। सहवाग के आउट होने के बाद इंडिया का एक बैटिंग कोलैप्स हुआ जिसमें उन्होंने अगले 51 रन में 4 विकेट्स खो दिए। इंडिया के इस सडन बैटिंग कोलैप्स से साउथ अफ्रीका मैच में वापस आ गया था और इंडिया का स्कोर अब 42-1 से 93-5 विकेट्स हो गया था और उनकी लीड 167 रन की थी। अब MS धोनी और VVS लक्ष्मण क्रीज पर मौजूद थे। धोनी और लक्ष्मण ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज बड़े सावधानी से अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी बल्लेबाजी को ऐसी जारी रखते हुए दोनों ने मिलकर 48 रन की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 141 तक पहुंचाया। इंडिया की लीड अब 215 रन की हो चुकी थी और इंडिया अब धीरे धीरे
बेहतर सिचुएशन में आने लग रहा था। लेकिन धोनी और लक्ष्मण की ये पार्टनरशिप और लंबी हो सके उसके पहले एमएस धोनी लोनवाबो सोत्सुबे की बॉलिंग पर आउट हो गए और इंडिया ने अपना छठा विकेट 141 रन के स्कोर पर गंवाया। फिर 7 रन बाद इंडिया ने अपना एक और विकेट गंवाया। इस बार हरभजन सिंह मॉर्ने मॉर्कल का शिकार बने। इंडिया का स्कोर अब 148 फॉर 7 विकेट्स था और इंडिया की लीड 222 रन की थी। वीवीएस लक्ष्मण अब भी क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब इंडिया की इनिंग्स ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी क्योंकि अब आने वाले अगले सभी बल्लेबाज बॉलर्स थे। लेकिन आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब वीवीएस लक्ष्मण का साथ देने के लिए ज़हीर खान क्रीज पर आए। वीवीएस लक्ष्मण और ज़हीर खान ने सबको सरप्राइज करते हुए 8वें विकेट के लिए 70 रन की बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैच विनिंग साबित होने वाली पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 148 फॉर 7 से 218 रन तक पहुंचाया। इस आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप के बदौलत इंडिया की लीड अप 292 रन की हो गई थी और इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था। फिर पॉल हैरिस ने ज़हीर खान को 27 रन पर कैच आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका को एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। ज़हीर खान के विकेट के बाद इंडिया के आखिर के 2 विकेट्स अगले 10 रन में गिर गए, जिसमें से 1 विकेट वीवीएस लक्ष्मण का था जो कि एक ज़बरदस्त सेंचुरी बनाने से सिर्फ 4 रन पहले यानी कि 96 रन पर आउट हो गए और इंडिया की टीम अपनी सेकेंड इनिंग्स में 228 रन बनाकर और 302 रन की लीड के साथ ऑल आउट हो गई। वीवीएस लक्ष्मण इस इनिंग्स में इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर रहे। उनके द्वारा खेली गई 96 रन की इनिंग्स और एमएस धोनी और ज़हीर खान के साथ मिलकर की गई इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप्स के बदौलत इंडिया स्कोर तक पहुंच पाया। साउथ अफ्रीका की तरफ से मॉर्ने मॉर्कल और लोनवाबो सोत्सुबे ने 3-3 विकेट्स लिए, गेल स्टेन ने 2 विकेट्स लिए और जैक कैलिस और पॉल हैरिस ने 1-1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 303 रन का टारगेट था और इस टारगेट को हासिल करने के लिए ग्रैम स्मिथ और एल्विरो पीटरसन ने साउथ अफ्रीका की इनिंग्स की शुरुआत की। ग्रैम स्मिथ और एल्विरो पीटरसन ने साउथ अफ्रीका को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ओपनर्स ने मिलकर पहले विकेट के लिए 12 ओवर्स में 63 रन जोड़े। साउथ अफ्रीका ने इस टारगेट को चेस करने की शुरुआत काफ़ी अच्छे ढंग से की थी। फिर इनिंग्स की 13वीं ओवर की पहली बॉल पर ग्रैम स्मिथ श्रीशांत की बॉलिंग पर कॉट बिहाइंड हो गए और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला विकेट 63 रन पर गंवाया। ग्रैम स्मिथ 37 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 19 रन बाद 82 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 2 विकेट्स गिर गए, जिसमें उन्होंने अपने दूसरे ओपनर एल्विरो पीटरसन और हाशिम अमला के विकेट्स खो दिए। साउथ अफ्रीका का स्कोर अब 63 फॉर 1 से 82 फॉर 3 विकेट्स हो गया था। एक अच्छी शुरुआत के बाद जल्दी जल्दी में 3 विकेट्स खोकर साउथ अफ्रीका अब प्रेशर में आ गया था। अब जैक कैलिस और एबी डिविलियर्स क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर अपने 41 रन की पार्टनरशिप के जरिए लगातार गिर रहे विकेट्स के सिलसिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रीशांत ने जैक कैलिस को 17 रन पर कैच आउट करके ऐसा होने नहीं दिया और इंडिया को एक और विकेट दिलवाया। साउथ अफ्रीका ने अब अपना 4th विकेट 123 के स्कोर पर खो दिया था। इंडियन बॉलर्स ने अपनी अटैकिंग बॉलिंग को ऐसे ही जारी रखते हुए साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर सेटल होने नहीं दिया और अगले 28 रन में एबी डिविलियर्स, मार्क बाउचर और डेल स्टेन के विकेट्स लेकर 155 रन पर साउथ अफ्रीका के 7 विकेट्स गिरा दिए। इसके बाद एश्विन प्रिंस ने पॉल हैरिस के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 27 रन की पार्टनरशिप करके और फिर मॉर्ने मॉर्कल के साथ 9वें विकेट के लिए 33 रन की पार्टनरशिप करके एक फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल चुका था। साउथ अफ्रीका का स्कोर अब 215 पर 9 विकेट्स था और इंडिया अब जीत से सिर्फ 1 विकेट पीछे था और फिर 215 के ही स्कोर पर लोनवाबो सोत्सुबे रनआउट हो गए और उनके रनआउट होते ही साउथ अफ्रीका की टीम 215 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने इस टेस्ट मैच में अपनी जीत हासिल की। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 215 रनों पर ढेर हो गई। एश्विन प्रिंस 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंडिया की तरफ से ज़हीर खान और श्रीशांत ने 3-3 विकेट्स लिए, हरभजन सिंह ने 2 विकेट्स लिए
और ईशांत शर्मा ने एक विकेट लिया। बल्लेबाजी में विवेश लक्ष्मण की 96 रन की इनिंग्स और अपने बॉलर्स के दमदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के बदौलत इंडिया ने यह मैच 87 रन से जीतकर डरबन में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक फेमस टेस्ट जीत दर्ज की। दोस्तों, इंडिया की इस फेमस टेस्ट जीत में कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला था यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस मैच से रिलेटेड आपकी भी अगर कुछ यादें होंगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक फेमस टेस्ट मैच जीत की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना, और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।